देश का एक राज्य है उत्तराखंड, देवभूमि कहा जाता है इसे। याद नहीं आता कभी हिंदू मुस्लिम की आग में झुलसा हो। एक प्यारा राज्य, खूबसूरत पहाड़, बढ़िया लोग, लेकिन लगता है किसी की नज़र सी लग गई है इसे भी, जो दशकों में नहीं हुआ अब यहाँ होता दिख रहा है। यहाँ का एक ज़िला है उत्तरकाशी। यहाँ के पुरोला में कुछ रोज़ पहले हिंदू मुसलमानों के बीच शुरू हुआ तनाव और बढ़ता नज़र आ रहा है। रविवार 11 जून को कुछ वीडियोस वायरल हुए। ये वीडियोस पुरोला के बताए जा रहे हैं। इन वीडियोस में कुछ लोग एक दुकान के बाहर तोड़फोड़ करते नज़र आ रहे हैं। हालांकि दुकान बंद है, लेकिन इसके बावजूद भीड़ में शामिल लोग बंद दुकान के बाहर लाठियां डंडे चलाते हैं। ये दुकान कथित तौर पर एक मुस्लिम व्यापारी की बताई जा रही है। हालांकि तोड़फोड़ के दौरान ही कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं, उन लोगों को दुकान के पास से हटाते हैं। आज तक से जुड़े ओंकार बहुगुणा की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुरोला में तनाव बढ़ने के बाद मुस्लिम व्यापारियों को दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। उनकी दुकानों पर पोस्टर लगाए गए हैं। लिखा है कि 15 जून को होने वाली महापंचायत से पहले दुकानें खाली कर दें। ये भी लिखा है कि देवभूमि रक्षा अभियान के तहत ये चेतावनी दी जा रही है, दुकानें खाली ना करने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आज तक के मुताबिक इस तरह की धमकियों के चलते मुस्लिम समुदाय में डर का माहौल है। 3 मुस्लिम व्यापारियों ने कथित तौर पर अपने कारोबार को समेटकर पुरोला छोड़ दिया है। हालांकि पुलिस शांति बैठकों के जरिए दोनों समुदायों के बीच गतिरोध दूर करने की कोशिश कर रही है। साथ ही शांति व्यवस्था के लिए पुरोला में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। डिप्टी SP सुरेंद्र सिंह भंडारी ने आज तक से बातचीत में पुरोला छोड़ने की घटनाओं का खंडन किया। DSP ने बताया, ऐसे हमारे द्वारा पीस मीटिंग की जा रही है लगातार। SDM कल भी करी थी हमने पुरोला पर, और उससे पहले भी है लगातार। हम उनके सुरक्षा के लिए हमारी पुलिस फोर्स डिप्लॉय है वहाँ। ऐसा कोई ऐसा संज्ञान में नहीं आया कि किसी ने वहाँ छोड़ा हो। जो भी गए हैं, हो सकता है कि वो स्वेच्छा से किसी कार्यवश गए हों, अपनी स्वेच्छा से गए हों। अब आपको बता दें कि किस घटना के बाद से ये बवाल मचा हुआ है। उत्तरकाशी जिले की पुरोला नगर पंचायत में बीते दिनों 2 युवकों पर एक स्थानीय दुकानदार की नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगा। इनमें एक युवक मुस्लिम है, दूसरा हिंदू है। हालांकि कुछ स्थानीय युवकों ने नाबालिग को भागने से बचा लिया था, लेकिन इसके बाद पुरोला में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया, जो अब तक जारी है। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी अभय। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।